हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज का डेट है 5 मार्च 2023। आज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं निफ्टी का, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, चार से पांच स्टॉक बताने वाला हूं, जिसमें दो से तीन स्टॉक प्योर बाइंग लेवल पे है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने पोजीशन में या फिर अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड करने के लिए है। आप लोग इस वीडियो का लेवल को देखने के पहले मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि पूरा वीडियो को देखिएगा, कौन सा लेवल है, क्यों ये प्राइस एक्शन है, क्यों ये बना है, मैंने क्यों ये रेकमेंड किया है। अगर आप रियल में सीख करके कुछ करना चाहते हैं गाइस, ट्रेड इजी के सारे वीडियोस को आप जरूर देखा करें, बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे, प्योर लॉजिक के बेसिस पे, प्योर जो हमारे पास यहाँ पे प्राइस एक्शन ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या बोलता है, उस हिसाब से आपके आपके पास स्टॉक को या इंडेक्स को रखने की कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी फाइनेंस का पहले देखते हैं। निफ्टी फाइनेंस में अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। यहाँ पे आप देखें मार्केट क्या करता है, एक रेजिस्टेंस फेस करता है गाइस। इस लेवल पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, दोबारा देखें यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बनता है। डेली का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया, आप देखें डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता हुआ आया है। करेंट लेवल पे जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं। वन सेकेंड, यहाँ पर आप देखें तो बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। दोबारा से जब इसी लेवल पे आता है बायर एक्टिवेट होता है और एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। डब्लू पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर गाइस एक बुलिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इस लेवल के ऊपर मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था बाई के लिए, अगर आप यहाँ से बाई किए होते जबरदस्त मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे। करेंट लेवल पे देखे मार्केट यहाँ से निकला हुआ है, दो सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ पर कल साइडवेज में रहे उसके बाद इस लेवल को हिट करे, या तो फिर आने वाले एक कल के ही डेट में, या तो कल के ही डेट में डायरेक्टली एक मोमेंटम करे और मार्केट इस लेवल को हिट करे, दोनों कंडीशन यहाँ पर है। उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गाइस ये वाला जो लेवल है एक अच्छा सा यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल था। इस लेवल के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेवल बनता है कुछ इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बनता है। तो अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखें तो मैं मार्केट को बाई करने का सजेशन 18,364, यानी कि आप इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ही हम ऊपर के लिए सोचेंगे। ये होगा 18,500 का लेवल गाइस, कम से कम 100 पॉइंट ऊपर का ट्रेड हो सकता है अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो, अदरवाइज मार्केट इस रेंज में एक साइडवेज मूव भी दे सकता है, ध्यान रहे। अगर गाइस मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है इस जोन में तो बाइंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखना है, फिर आपको देखना पड़ेगा ये लेवल के नीचे आता है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा 18,234 का लेवल। ये सारे लेवल को मार्क करिए, ध्यान से देखिए मैंने ये क्यों प्रोजेक्शन आपको बताया हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ, बताता हूँ निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक में किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो गाइस आपको याद होगा मैं बार बार अपने लाइव चैनल पे भी और बार बार आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि निफ्टी बैंक एक जबरदस्त प्राइस एक्शन बनाया हुआ है और वो एक डबल बॉटम बनाया है, मार्केट यहाँ से रॉकेट होगा। मैं बता दूं गाइस अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड किए होते निफ्टी बैंक को तो कम से कम 1200 पॉइंट आप अचीव करते। और आप देखे होंगे कि थर्सडे के दिन मैंने अपने यूट्यूब के वीडियो में थंबनेल में लिखा हुआ था साफ साफ कि ऑप्शन सेलर्स उल्टे पांव भागने को तैयार हो जाना, फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन होता है जबरदस्त रॉकेट करता है गाइस। काफी एक लंबे टाइम के बाद इस तरह का आपको मोमेंटम देखने को मिला होगा जो कि एक दिन पहले मैंने एडवांस में आपको बताया था। अगर करेंट लेवल पे देखें किस तरीके से ट्रेड की प्लान किया जा सकता है तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, इस तरीके का ट्रेंड लाइन बना है, रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, मार्केट का रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। करेंट लेवल पे आप देखें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आया हुआ तो है, लेकिन निफ्टी फाइनेंस में एक स्पेस बचा है, निफ्टी बैंक में अपने लेवल पाया हुआ है और निफ्टी का भी देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि जितनी बार किसी ट्रेंड लाइन का या सपोर्ट जितनी बार हिट करता है 3 से 4 बार मिनिमम हिट होना चाहिए, उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट आती है, एक सक्सेसफुल ब्रेक होता है। करेंट लेवल देखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम है जो ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि एक दो दिन या तो यहां पर साइडवेज अगर मूव करता है और इसी लेवल के आसपास मार्केट बना रहता है तो आप ध्यान रहे कि मार्केट में एक बहुत बड़ा रॉकेटरी मूव आ जाएगी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट 2 से 3 दिन
साइडवेज भी होता है लेकिन इसी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए क्लोजर देता है। याद रहेगा इस मार्केट में बहुत बड़ी मूव आएगी और जब ये मूव आएगा तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करने के लिए बैंक निफ्टी निकल सकता है। ये सारी चीजों को आपको माइंडसेट में बना करके रखना है। इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मैं आपको लेवल देता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है गाइस, वो कौन कौन सा लेवल है मैं आपको बता दूं। एक ये लेवल था, उसके बाद आप देखें यहाँ पे है जो कि रेजिस्टेंस के जोन के आसपास है, इसके ऊपर में ये वाला लेवल है। अगर मार्केट गाइस मार्केट ऊपर ओपन होता है या कहीं पर भी ओपन होकर इस लेवल को टेस्ट करता है और इसी लेवल के ऊपर 15 से 20 मिनट या आधा घंटे या 12 बजे के आसपास कुछ देर तक यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बनता है और फिर जाकर के उसके बाद जाकर के यहाँ पर एक ब्रेकआउट देता है तो आप मान के रहें कि एक बड़ी मूव आ सकती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर 12:30 बजे तक कंसोलिडेट करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है 41,500 को, ध्यान रहे कल के रेट में 41,800-41,900 का लेवल भी देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में। अगर मार्केट को नीचे जाना हुआ गाइस तो इस रेंज के नीचे अगर जाता है तो एक छोटे पॉइंट के लिए ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट एक साइडवेज या हाईली बुलिश है तो हमें इस लेवल के ऊपर निकलते ही मार्केट में बाई करना है 41,500 के ऊपर। चलिए अब आपको यहाँ पर बताता हुआ निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी किस तरीके से ट्रेंड लाइन या प्राइस एक्शन क्या बनाया है उसके हिसाब से आपको एनालाइज करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने निफ्टी के लिए डेली का टाइम फ्रेम लगाया है। मार्केट देखिए, यहाँ पर मैंने फिबोनाची टूल के द्वारा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मार्केट गाइज एक बहुत अच्छा यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आता है यहाँ पर नीचे क्लोज किया था, मैंने बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में क्यों नहीं दिखाया क्योंकि वहां डबल बॉटम बना था। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है तो अगर आप देखें रिट्रेसमेंट के हिसाब से तो मैं यहाँ पर आप बता दूं गाइस कि मार्केट टॉप से बॉटम तक आता है। करेंट लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है जो कि फिबोनाची का ये जो लेवल है गाइस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 38.2 है। ये 38.2 जैसे ही मार्केट 17,600 को ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर के लिए, नेक्स्ट टारगेट हमारा जो का बहुत आसानी से 17,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 17,700 पे ब्रेक करता है गाइस तो अगला लेवल होगा 17,800 का, जो कि यहाँ पर फिबोनाची का टूल ही बता रहा है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिंपली फिबोनाची का टूल बता रहा है। ये देखे 2 से 3 दिन ये लेवल रेजिस्टेंस था, अभी भी रिजेक्शन हुआ है। इस लेवल के ऊपर 15 मिनट या 1 घंटे में अगर मार्केट क्लोज करता हो तो आप मान के रखें 17,700 का लेवल बहुत जल्द आ जाएगा। 17,700 ब्रेक करते 17,800 का भी लेवल आ सकता है। 17,800 के लेवल पे आता है तो डीप रिट्रेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट में एक बड़ी रिवर्सल भी आ सकती है। ये इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बिल्कुल सीख करके ट्रेड करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। ठीक है, मैं आपको कुछ स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि इंट्राडे में या फिर आने वाले समय में स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छा हो सकता है। आप देखिए प्राइस एक्शन बहुत बेहतरीन है। पहला जो स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और मार्केट इसी रेंज के आसपास, मार्केट इसी रेंज को टेस्ट कर रहा है और ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में मार्केट, यानी कि कल के डेट में अगर 490 के ऊपर निकलता है गाइस 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर कम से कम 7 से 8 पॉइंट का हमारा टारगेट हो सकता है, क्योंकि इस रेंज को अगर ब्रेक करता है एक बड़ी मूव आ सकती है, एक डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस जो हमने पिक किया इंट्राडे के हिसाब से, हिंदुस्तान कॉपर। मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर एक पैटर्न बनाता है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद उसी रेंज के आसपास ये बना हुआ है। कल के डेट में बहुत बड़ी मूव आ सकती है। मार्केट अगर कहीं नीचे ओपन होकर 103 के ऊपर अगर निकलता है गाइस 2 से 2.5 पॉइंट का टारगेट होगा, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंट्राडे में, बहुत अच्छा ये ट्रेड हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस LTTS, ध्यान रहे ये ट्रेड मेरे रडार में है और मैं इसे खुद पर्सनल भी इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूं, और वो इस बेसिस पे कि आप यहां पर एक चार्ट का पैटर्न देख सकते हैं। आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा ये जो चार्ट पैटर्न मैंने बनाया है, प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाया है, इसका नाम क्या है गाइस। कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसको बताने की कोशिश करें। अगर मार्केट आप देखें तो एक बहुत बेहतरीन लेवल का यहाँ प्राइस एक्शन बना है, ये मेरा फेवरेट है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा रडार में आ सकता है और इस ट्रेड को आप इंट्राडे या फिर आने वाले स्विंग ट्रेड दोनों के लिए बना सकते हैं। अगर गाइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट अपने हाई को भी टेस्ट करेगा। कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से एक बड़ी मूव का,
10-12% का एक्सपेक्टेशन मेरे एलटीटीएस में अपसाइड का स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड में होगा आने वाले एक महीने में या फिर 15 से 1 महीने के बीच में, ये मेरा जो है वो अनुमान है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस चार्ट पैटर्न का क्या नाम है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस जिसका नाम है एचडीएफसी, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठोक डालना है। डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, बहुत ही जबरदस्त लेवल मुझे दिख रहा है। स्विंग ट्रेड के लिए या फिर आप इंट्राडे का ट्रेड देखें, दोनों में बहुत बेहतरीन है। या तो मार्केट 1-2 दिन इसी रेंज में यहाँ पर बना रह सकता है, ध्यान रहे 1-2 दिन मार्केट यहाँ रेंज में बना सकता है, उसके बाद उड़े। निफ्टी बैंक का डेली का टाइम फ्रेम में यही चार्ट पैटर्न बना था, वहीं से रॉकेट हुआ है। सेम पैटर्न डिटो रेप्लिका आप कह सकते हैं एसबीआई लाइफ में बना। अगर गाइस मार्केट नीचे मिलता है, ध्यान रहे मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी नीचे यहाँ पर आता है, बाई ऑन डिप्स होगा स्विंग ट्रेड के लिए, फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं। कैश ट्रेडिंग की मैं बात करता हूँ, जितने भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ जो भी बताता हूँ सब कैश ट्रेडिंग में, या फिर आपको लगता है कि हाँ एक लेवल ब्रेक हुआ है तो आप ऑप्शन ट्रेड में जा सकते हैं, इट इज अप टू यू। यहाँ पर बहुत अच्छा लेवल पे मुझे दिख रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से आने वाले टाइम में कम से कम 5% का एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं गाइस ये 10-15 दिन हो सकता है 7 डेज में आ जाए, हो सकता है 2-4 दिन में आ जाए, किसी भी लेवल पे आ सकता है। बट 5% रिटर्न अगर 1 मंथ में भी देता है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस जिसका नाम है टाइटन। टाइटन बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। टाइटन यहाँ देखे तो एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड में जा रहा था। मार्केट इस लेवल पे आता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश किए कर रहा है। मार्केट एक अच्छा अच्छा खासा स्ट्रेच पे था, इंट्राडे का ये ट्रेड होगा। इंट्राडे में अगर देखे 2396 ग्राउंड लेवल पे भी है, 2400 के ऊपर बाई करेंगे, 2400 के ऊपर मार्केट निकलता है, 2400 के ऊपर हम बाई करेंगे गाइस। कम से कम 20 से 22 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, प्योर इंट्राडे का ट्रेड होगा। अगर कल के डेट में भी ये एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है तो स्विंग ट्रेड में भी हम जा सकते हैं और एक बढ़िया लेवल होगा जो कि होगा लगभग 2500 के ऊपर हमारा टारगेट हो सकता है गाइस। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जितना भी मैंने स्टॉक आपको पिक करके यहाँ पर दिया है उनमें से, चलिए एक स्टॉक और है, एक दो स्टॉक उसको भी मैं यहाँ पर कवर कर ही देता हूँ। ट्रेंड है, ट्रेंड बहुत अच्छा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा, अभी तक तो ये पैटर्न नहीं बना है खैर, लेकिन आने वाले टाइम में एडवांस में मैं बता दूं कि एक पैटर्न यहाँ बनने की कोशिश कर रहा है। एक आपसे सवाल पूछा था, वही पैटर्न एज इट इज यहाँ बन रहा है। कमेंट में बताइएगा कि ये पैटर्न अगर बन जाता है गाइस तो कौन सा पैटर्न बनेगा। उसका एक लेग अभी बाकी है, उम्मीद करता हूँ ये लेग जल्द आ जाए, और लेग अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा यहाँ से ब्रेक करके मार्केट अपसाइड मूव भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में, एक बढ़िया जोरदार यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ है। इस पैटर्न का भी नाम जरूर बताइएगा। तो इसका ये भी स्विंग ट्रेड के लिए बेहतर ट्रेड दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक प्योर इंट्राडे का ट्रेड है, मुझे लगता है कल के डेट में एक अच्छा उछाल मारे। मार्केट अगर इस रेंज में कहीं पर भी अगर ओपन होना होगा गाइस 1750 के आसपास ही ओपन होगा, यानी फ्लैट ओपन हो 1750 के आसपास ओपन होगा तो सबसे पहले तो मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए जाएगा। और ये लेवल कौन सा है मैं आपको बता दूं, 1750 से 1764 15-16 पॉइंट तो आपको ऐसे ही देगा जो कि इंट्राडे का भी ट्रेड है। इस लेवल के थोड़ा नीचे स्टॉप लो 1745, टारगेट हमारा मिनिमम 1765 का, बेहतर ट्रेड हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक इंट्राडे के लिए, प्योर इंट्राडे के लिए। एफएनओ भी अगर आपको लेवल मिलता है तो आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन लेवल के हिसाब से। गाइस एक चीज और डिस्क्लेमर बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरा बनाने का मकसद होता है एजुकेशन पर्पस, आपको मैं फाइनेंशियल लिटरेट कर पाऊं। आप ये कहीं किसी के झांसे में आकर गलत ट्रेड ना उठा ले, थोड़ी सी अवेयरनेस की वजह से मैं जो ट्रेड है आपका काम आसान करके देता हूं। कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड खोज रहे हैं, ये स्टॉक है लेवल देखिए उसके हिसाब से ट्रेड आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए गाइस जो स्टॉक मैंने बताया एचडीएफसी लाइफ, हिंदुस्तान कॉपर, एलटीटी, एसबीआई लाइफ, टाइटन, ट्रेंड और कोटक महिंद्रा बैंक, आपको कौन सा स्टॉक है बेहतर लग रहा है, बेहतर लेवल पे लगता है, आपको लगता है आने वाले टाइम में आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो, मेरा मैं आपको जो इतना मेहनत इनपुट में देता हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर ठोकिएगा। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट उठा सके। आज के लिए मैं यहीं पे रहने देता हूँ गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।